मंदा पास में आओ, रसूखदार की मनमानी नहीं चलेगी, रसूखदार की मनमानी नहीं चलेगी। होश में आओ, होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, रसूखदार की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, रसूखदार की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सबसे दुख की और विडंबना की बात है कि जनता एक तरफ जहां दुखित है, पीड़ित है, शोषित है, वहीं जो जनप्रतिनिधि है चैन की निद्रा सो रही है। मार्च महीना में एक टाटा का जमशेदपुर का 100 साल पुराना रोड कदमा केडी फ्लैट एक माननीय को आवंटित होता है। चलिए कोई बात नहीं, आप केडी फ्लैट क्या, अब टाटा कंपनी आपको मिल जाए, हमको कोई उसमें ऐतराज नहीं है। उसके एवज में इन्होंने रातों रात दो दो रोड को बंद कर दिया जो 100 साल पुराना रोड था। कदमा में लगभग 1.5 लाख की आबादी है, चार चार पांच पांच स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, लोग रेंग रहे हैं स्कूल छुट्टी के बाद। मैंने कई बार जिला प्रशासन, डीसी साहब, एसडीओ साहब, हर जगह मैंने ज्ञापन दिया, सारा ज्ञापन आ जाते हैं हमारे नोटिफाई एरिया में माननीय के पास। मैंने माननीय को भी ज्ञापन दिया, दो बार रिमाइंडर मैंने दिया, आज तीसरा रिमाइंडर मैं देने जा रहा हूँ, क्योंकि लोकसभा चुनाव था, कि माननीय जी आप बताएं, एक तरफ गरीबों का घर को तोड़ा जा रहा है, शहर को चौड़ीकरण के नाम पे लाखों हजारों पेड़ को काटा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ रसूखदारों को मनमानी। आप देखिए, कदमा जाइए, आपको समझ में आएगा किस तरह से आपका फुट प्लाजा का बगल में वहाँ दुर्गा पूजा मैदान था, मैदान के पीछे में माननीय का बिल्डिंग खड़ा हो गया। कदमा मार्केट में मैक्सिमम, अब किसी से भी पूछिए, सिविल ड्रेस में जाइए, प्रशासन को भेजिए, आप अनऑथराइज तरीके से जमीन, दुकान, मकान आप ले रहे हैं, रोड को आप घेराबंदी कर रहे हैं, आपको जो जो जनता ने जिम्मेदारी दिया स्वास्थ्य का, स्वास्थ्य का देखिए क्या हाल है। कल ही पेपर हर दिन छपता, कल भी देखा कि एक बड़े हॉस्पिटल में एक महिला अर्धनग्न थी जो हॉस्पिटल के फर्श में पड़ी हुई, प्रमुखता से पत्रकारों ने छापा, जिससे आज संज्ञान लेके गया, उनका ऊपर जो है मरीज का इलाज चल रहा है। आए दिन मरीज यहाँ चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तड़प रहा है, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। आपको जो जिम्मेदारी दिया गया आपसे नहीं होता, अब इस्तीफा दीजिए। आप यहाँ रोड, मकान, जमीन छेकने में लगे हैं, गरीबों का घर को जो है, हम लोग का जो रास्ता है उसको आप घेरने में लगे हुए हैं। आपको जनप्रतिनिधि के इसीलिए चुना गया, मैंने विरोध किया तो मेरे ऊपर हमला हुआ, मेरा 4 साल का बेटी, उसका क्या कसूर है? क्या मैं जनता का आवाज उठाने के लिए किसी भी स्थिति परिस्थिति में इन लोग साजिश के तहत मेरा हत्या भी हो सकता है? मेरे ऊपर जिस तरह से दुर्व्यवहार किया गया आज तक प्रशासन संज्ञान नहीं लिया। मैंने सीसीटीवी का कैमरा को मैंने बोला कि कैमरा को जांच करिए, आपका सीसीआर डीएसपी का कैमरा वहाँ लगा हुआ है, दुकान मकान का कैमरा वहाँ लगा हुआ है, किसी ने जाँच तक नहीं किया। ये अन्याय और अत्याचार हो रहा है, एक तरफ रसूखदारों की मनमानी चल रहा है, दादागिरी चल रहा है, दूसरी तरफ आम जनमानस यहाँ तड़प रहे हैं, रेंग रहे हैं। हम लोग किसी भी स्थिति परिस्थिति में, आप चाहे कितने भी अत्याचारी बन जाए, अहंकारी बन जाए, आपका अहंकार को आम जनता तोड़ेंगे, हम लोग तोड़ेंगे। और जो जनता ने आपको वोट देकर ऊपर बैठाया है, सिंहासन में बैठा है, वही जनता आने वाले दिन में जिनका आपने रोड को छेका है आपको माकूल जवाब देगा। हम लोग प्रशासन को अंतिम रिमाइंडर दे रहे हैं, आने वाले दिन में इस कार्यालय को तालाबंदी करेंगे, हम लोग जरूरत पड़े तो डीसी ऑफिस का तालाबंदी करेंगे, क्योंकि हम लोगों की सीमा का भी एक होता है, लिमिटेशन होता है, पैरामीटर होता है, ये सीमा आस्ते आस्ते ये सीमा पार हो रहा है। इसी बातों के साथ हम लोग आज आए हैं रिमाइंडर देने के लिए, पहले से भी सूचना थी, माने नहीं अभी है नहीं।